एस्पिरेंट्स। देख रहे हैं यार, चल रहा है कि नहीं। हेलो, पेरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि एसबीआई क्लर्क 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और मैंने एक वीडियो भी बना के डाला था, तो अब लग जाओ एकदम अच्छे से। आज से तो फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट हो गया है, तो अब बहुत अच्छे से लग जाओ पढ़ाई करने के लिए। वो गैप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई इंग्लिश के लिए। बाकी उसके अलावा पजल्स, डीआई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पजल्स की सीरीज तो मैं लॉन्च कर चुका हूँ और वो सीरीज लगातार चल रही है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए तुरंत, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है, उसका देखिए। उसे बहुत ही ज़्यादा हर टाइप की पजल करा रहा हूँ उसमें, हर एक टाइप की, जितनी भी टाइप की आज तक एग्जाम में पूछी गई है, हर टाइप की पजल वो कैसे डिकोड करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो सीरीज का नाम है पजल डिकोडेड, ठीक है, वहाँ जाके देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है कंडेम। कंडेम एक वर्ड होती है, इसका मतलब होता है कि किसी की आलोचना करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना किसी को पब्लिकली, स्ट्रांगली, जिसे कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज समवन और समवन और समथिंग स्ट्रांगली, किसी चीज की आलोचना करना, ठीक है, मतलब बुराई करना उस चीज की। सिनोनिम देखो तो सेंसर्ड और डिनाउंस करना होता है। एंटोनिम देखो तो कमेंड मतलब होता है कि प्रशंसा करना, और एक्सटोल्ड मतलब उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ करना होता है, ठीक है। और सेंटेंस में देख लें इसका यूज। द स्कूल कंडेम्स चीटिंग एंड एनी स्टूडेंट कॉट चीटिंग विल बी एक्सपेल्ड। तो जो स्कूल है वो चीटिंग की आलोचना करता है, चीटिंग को मतलब बुराई करता है चीटिंग को, और कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसे निकाल दिया जाएगा। एक्सपेल्ड मतलब निकाल दिया जाना होता है, ठीक है। आगे देखें, अगला वर्ड है अनइक्विवोकली। एडवर्ब होती है एक, इसका मतलब होता है इन अ वे दैट लीव नो डाउट। तो एक ऐसा तरीका जो डाउट नहीं छोड़ता है, मतलब आप किसी काम को ऐसे तरीके से करते हो जिसमें कोई डाउट ही नहीं होता कि भाई ये काम अगर हुआ है तो ये परफेक्ट हुआ, एकदम 100%, ठीक है। तो वो था अनइक्विवोकली, ठीक। सराउंडिंग देखो तो क्लियरली और अनक्वेश्चनेबली, और एंटोनिम देखें तो एम्बिग्वियस और इक्विवोकल, ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। चलो सेंटेंस देख ले इसका। द मैसेज शुड बी अनइक्विवोकली क्लियर। तो जो मैसेज होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए 100%, कि अगर कि आप किसी को कोई बात कह रहे हो तो एकदम क्लियरली चीजें बोलनी चाहिए, बीच में डाउट नहीं रखना चाहिए उसमें कोई भी, कि डाउट रहे तो फिर सब भाई आप भी परेशान होगे, सामने वाला भी परेशान रहेगा। तो कोई भी मैसेज अगर दे रहे हो किसी को तो एकदम क्लियर मैसेज देना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है यूनैनिमिटी। एक नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्लीट एग्रीमेंट अबाउट समथिंग अमंग ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, एक पर्टिकुलर चीज को लेके, एक पर्टिकुलर कह सकते हो किसी भी चीज को लेके, जब पूरे ग्रुप की सहमति हो जाती है तो उसे कहते हैं यूनानिमिटी। यूनिटी से बना है यूनानिमिटी, ठीक है, सबका सहमति हो जाना किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, ठीक है, वो होता है यूनानिमिटी। सिनोनिम देखें, सिनोनिम देखें इसके, तो अकॉर्ड और कंकरेंस, कंकरेंस हो जाएगा, और एंटोनिम को देखें तो डिसकॉर्ड और डिसेंशन हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक। और सेंटेंस में यूज देखें, देर इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट यूनानिमिटी ऑन दिस इशू। तो एक पर्टिकुलर इशू था उस पर कम्प्लीट यूनानिमिटी आई, मतलब सबका समर्थन आया उस चीज को लेके, ठीक। आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है पोटेंट। एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी पावरफुल, फोर्सफुल और इफेक्टिव। कोई चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावर रखती है अपने अंदर, फोर्सफुल है, इफेक्टिव है, कि पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर चीज पे जाने से मतलब वो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये चीज है पोटेंट, ना पोटेंट रखना अपने पर, अपने में, अपने आप में एक वैल्यू रखना, होता है पोटेंट का मतलब। चलो सिनोनिम देखो, इन्फ्लुएंशियल और माइटी, ये सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देखो तो वीक और इनएफिकेशियस, इनएफिकेशियस, ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। और द सेंटेंस देखें तो ही नो हाउ टू डिस्ट्रॉय अ टीम्स मोस्ट पोटेंट वेपन, मतलब वेपन मतलब प्लेयर कह सकते हो आप। तो वो जानता था कि किसी टीम के किसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। चलो
आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है डिसेंटिंग। एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शोइंग अ स्ट्रॉन्गली डिफरेंट ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, जैसा अभी बताया था मैंने, यूनानिमिटी में सब एक साथ होते हैं, यहाँ पे अलग होते हैं। डिसेंटिंग कहते हो कि मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर टॉपिक में एकदम अलग ओपिनियन आप दे रहे हो, कि लोगों के ओपिनियन तो से अलग आ रहे हैं, आपका एकदम डिफरेंट आ रहा है सबसे, ठीक है? तो वो होता है डिसेंटिंग। फिर ऑनिम देखो इसके, तो डिफरिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, और एंटोनिम को देखें तो एग्रीबल और एक्सेप्टिंग होगा, ठीक है? सेंटेंस में यूज देख लें, देर वॉज नो डिसेंटिंग ओपिनियन ऑन दैट पॉइंट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी का भी, मतलब कोई भी डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं था, सब एक साथ थे, सब यूनानिमिटी के साथ वोट कर रहे थे उस चीज को लेकर, ठीक है? आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है सीसेशन। एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, अ पॉज इन समथिंग। तो किसी चीज को रोकना या किसी चीज में पॉज होना, वो होता है सीसेशन, ठीक है? सिनोनिम देखो तो स्टॉपेज और क्लोजिंग, और एंटोनिम देखें तो स्टार्ट और रिजम्पशन। और सेंटेंस में यूज देखें इसका, तो कैंपेनर्स कॉल्ड फॉर अ सीसेशन ऑफ द प्रैक्टिस। तो जो कैंपेनर थे, वो जो कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने मतलब सेसेशन किया, रोका उस पर्टिकुलर कैंपेन को, ठीक है? हो सकता हो उनकी डिमांड पूरी हो गई हो, या हो सकता हो उन्हें कोई मना किया गया हो, तो उन्होंने उस चीज पर्टिकुलर जो वो कैंपेन कर रहे थे उस चीज को रोक दिया, ठीक है? चलो, कैंपेन मतलब क्या होता है? क्या मतलब वो जो कहते हैं ना, धरना प्रदर्शन टाइप कैंपेन करना को लेकर, वैसा टाइप। चलो आगे देखें, अगला है ग्रेवियस। ग्रेवियस एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हैविंग वेरी सीरियस इफेक्ट ऑफ और कॉजिंग ग्रेट डैमेज। किसी पर्टिकुलर चीज का बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट, सीवियर इफेक्ट मिल रहा है, बहुत ज्यादा। जैसे कोई सिचुएशन है, जैसे आप मान लो, अभी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि अगर आज आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपका क्लर्क का रिजल्ट खराब आएगा ना, तो आज कुछ करने की चीज कल जो सीरियस इफेक्ट डाल रही हो, वो होती है ग्रेवियस, ठीक है? कहते हैं ये चीज का, पर्टिकुलर चीज का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है किसी चीज पे, ठीक? चलो, सिनोनिम देखो तो सीरियस और सीवियर, और एंटोनिम को देखें तो ग्रेटिफाइंग और जॉय जॉयस जॉयस हो जाएगा, ठीक है? और इसका सेंटेंस में यूज देखें, द अमेरिकन फ्लीट सफर्ड ग्रीवियस लॉसेस। तो अमेरिका का, अमेरिकन जो बेड़ा था, फ्लीट मतलब बेड़ा होता है ग्रुप टाइप का, तो अमेरिकन फ्लीट जो था उसने सफर किया बहुत ग्रीवियस लॉस, बहुत ज्यादा सीरियस लॉस को सफर किया, झेला है, ठीक है? सफर मतलब होता है झेलना। आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है ओमिनस। ओमिनस एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। तो इसको बताना कि कुछ बुरा होने वाला है, मतलब इंट्यूशन, आप कह सकते हो आपका इंट्यूशन है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, आपको पता लग रहा है पहले से कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वो होता है ओमिनस, ठीक है? सिनोनिम को देखो तो इन ऑस्पिशियस और अनप्रोपिटियस, इन ऑस्पिशियस और अनप्रोपिटियस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम को देखें तो फेलिशियस और प्रोमिसिंग इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है? और सेंटेंस में यूज देखें, हु नोज दैट व्हाट विल हैपन, ही सेड इन एन ओमिनस टोन। तो उसने कहा कौन जाने, मतलब कौन जानता है क्या हो जाएगा, एक ओमिनस टोन, मतलब एक बहुत ही मतलब अजीब टाइप के टोन में उसने कहा कि कौन जानता है क्या हो जाएगा, ठीक है? तो उसका कहने का ये सेंस था कि कुछ बुरा होने वाला है, कहता कौन जानता है, कौन जानता है क्या हो सकता है आगे जाके, ठीक है? ये इसका सेंस है यहाँ पे। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है पार्टीशन। पार्टीशन एडजेक्टिव होता है, का मतलब होता है शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन ग्रुप और आइडिया। किसी पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर आइडिया को अगर आप सपोर्ट दे रहे हो, बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहे हो, तो वो होता है पार्टीशन, ठीक है? एडजेक्टिव होता है ये। सिनोनिम देखो डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, एक एक लोग को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो एक लोग को सपोर्ट करो, दूसरे को तो आप वो करोगे ना कि बाय उनको उनको सपोर्ट नहीं करोगे, तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ठीक है? बायस होना, एक तरफा बायस कहते हैं। और एंटोनिम देखो तो इम्पार्शियल और फेयर होना, ठीक है? और इसका सेंटेंस में अगर यूज देखें, द ब्लाइंड पार्टीशन फॉर एनी गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो जो अंधा सपोर्ट है किसी गवर्नमेंट को ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है? ये सेंटेंस मैंने खुद बनाया है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे कि सेंटेंस खुद से क्रिएट बनाऊ, ठीक है? चलो आगे देखें, बी फॉरेन एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है समथिंग अनप्लीजेंट हैपेंड टू समबडी। तो कुछ बुरा किसी के साथ हो जाना, वो होता है बी फॉरेन, ठीक है? जैसे मान लो कि अभी कभी हो ना जिंदगी में, कभी ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, और आप कहीं जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, तो आपके साथ कुछ बुरा हुआ ना, तो वो बी फॉरेन हुआ है आपके साथ, ठीक है?
आई एम स्टक इन बी फॉरन कंडीशन, आई एम, ऐसे कर सकते हो आप कुछ भी करके बना सकते हो अपना एक सेंटेंस। चलो सिनोनिम देख लो, तो हैपन और अकर हो जाएगा, और एंटोनिम देखें तो स्टे और स्टॉप, मतलब रुका हुआ कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। सेंटेंस में इसका यूज देखें, वी ऑल रिकॉग्नाइज दैट ट्रेबल डिजास्टर विच हैज बी फॉलन हर। तो हम उस जो ट्रेबल डिजास्टर जो उसके ऊपर आई, जो आपदा उसके ऊपर आई है, उससे हम बहुत अच्छे से वाकिफ कर रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उस चीज़ को जानते हैं जो उसके ऊपर आज बीत रही है, वो हमें पता है। जैसे आप लोग के ऊपर बीतती है कि पजल्स आप लोग नहीं बना पाते हो, मुझे पता है क्योंकि मेरे ऊपर बीत चुकी है वो चीज़ जो था बी पाले, मुझे पता है ये चीज़, ठीक है। चलो आगे देखें, तो अगला जो वर्ड है वो इंटरल्यूड नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट ड्यूरिंग विच समथिंग डिफरेंट हैपेंड। तो दो चीज़ों के बीच का जो समय होता है, जैसे मान लो कि अभी आप SBI क्लर्क का एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, और आज फॉर्म भर रहे हो, तो इन दोनों बीच का जो समय है ना, ये होता है बी इंटरल्यूड समय, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टाइम होता है, ये होता है इंटरल्यूड समय, ठीक। तो सिनोनिम देखें तो ब्रेक और रिसेस होता है, और एंटोनिम को देखें तो कंटिन्यूशन और रिजम्पशन होता है, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखें, देयर विल नाउ बी अ 15 मिनट इंटरल्यूड फॉर रिफ्रेशमेंट। अब 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक है। चलो तो दोस्तों आज इतने ही वर्ड्स थे मेरे पास, तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हैं आपके एक कंडेम, बहुत ही आसान है, इसका एक सेंटेंस आप बना के दोगे मुझे, और एक है ग्रीवियस, ठीक है। इसके सिनोनिम एंटोनिम को लिखने ही लिखने हैं, और इसके भी लिखने हैं, ठीक है। और एक कोशिश करिए कि एक सेंटेंस बनाइए, और बनाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक। तो आज इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये सर्च करोगे आप इसी टेलीग्राम में आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं PDF और लिंक दोनों डालता हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा फेसबुक है, ये मेरा इंस्टा है, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। इनकम टिक मिले दिए भाई।